हेलो स्टूडेंट्स, एनएस साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम मानव का पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने आहार नाल से संबंधित अंगों के बारे में अध्ययन कर लिया, सहायक पाचक ग्रंथियों के बारे में अध्ययन कर लिया। अब मानव में भोजन की पचने की क्रिया विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि मानव की सहायक पाचक ग्रंथियां या सहायक ग्रंथियां यकृत, अग्नाशय और लार ग्रंथियां होती है। इन सब के बाद में मानव के पाचन की क्रिया विधि, ये क्रिया विधि पांच चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में पूर्ण होती है? पांच चरणों में पूर्ण होती है, जिसमें पहला चरण है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब है भोजन को अंदर ग्रहण करना। दूसरा चरण है पाचन, भोजन का पाचन मुख गुहिका से शुरू हो जाता है, जो आमाशय आंत वगैरह में पाचन की प्रक्रिया होती है। तीसरा आता है अवशोषण, भोजन में उपस्थित मिनरल्स, विटामिन, लवण, प्रोटीन, वसा आदि का अवशोषण होता है, वो अवशोषण वाले भाग में होता है। अवशोषण अधिकांशतः आंत के इलियम भाग में अधिकतम होता है। चौथा आता है चरण स्वांगीकरण, मतलब उसमें जो भी मिनरल्स वगैरह उनको वापस ग्रहण करना और जल की जो भी मात्रा है उनका अवशोषण करना। पांचवा स्टेप आता है बहिक्षेपण। कई बार एग्जाम में इन पाचन की क्रिया विधि के चरणों के बारे में सीरियल से पूछा जाता है। तो फर्स्ट में अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, ये पांच चरणों में मानव के पाचन की क्रिया विधि पूर्ण रूप से होती है। भोजन के पांच चरणों में से प्रथम चरण है अंतर्ग्रहण। भोजन को मुख गुहा में या मुख से मुख गुहिका के रूप में अंदर ग्रहण करना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। मानव एक सर्वहारी प्राणी है। मानव में अंतर्ग्रहण दो चरणों में पूर्ण होता है। प्रथम चरण में भोजन को दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करके, तथा दूसरे चरण में भोजन को निगलना। फर्स्ट चरण में दांतों से काटना और दूसरे चरण में भोजन को निगलना। एक हमारे मुंह में आगे के दांतों कृतंक दांतों से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, तथा उसके बाद में अग्रचर्वणक व चर्णों की सहायता से भोजन को पीसा जाता है। उसके बाद मांसल जीभ की सहायता से व जीभ से निकलने वाली लार से भोजन को लुगदी जैसा चिकना बनाया जाता है, जिसे बोलस या निवाला कहा जाता है, जिससे भोजन आगे ग्रहणी में होता हुआ पाचन के लिए प्रोसेस या क्रिया करता है। मानव पाचन में दूसरा चरण है पाचन। मानव में पाचन की क्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है। फर्स्ट चरण है यांत्रिक चरण और दूसरा है रासायनिक। यांत्रिक पाचन में भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, पीसना, लार को मिलाना या लुगदी बनाना या निगलना जैसी क्रियाएं यांत्रिक पाचन में होती है, तथा भोजन को जब लुगदी रूप में निगला जाता है तो कर्मानुकुंचन गति से भोजन को अंदर की ओर निगला जाता है। दूसरा प्रकार है रासायनिक पाचन।
जब भोजन को यांत्रिक विधि के द्वारा अंदर निकल लिया जाता है, भोजन अंदर पहुंचता है आमाशय के अंदर, उसमें आमाशय रस है, पाचक रस, जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि क्रियाओं का मिलना रासायनिक पाचन कहलाता है। रासायनिक पाचन होने के बाद भोजन मुख गुहिका से आगे की ओर वृद्धि करता है। भोजन की पाचन क्रिया मुख गुहिका या मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। इसमें हम पढ़ेंगे मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में लार ग्रंथियों से लार निकलती है जो भोजन को लसलसा वो चिकना वो लुब्धि संरचना में बदल देते हैं। लार का पीएच की बात करें तो 6.8 पीएच होता है जो अम्लीय या हल्का अम्लीय प्रकार की लार होती है। लार के अंदर उपस्थित एमिलेज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो भोजन उपस्थित स्टार्च को क्रिया करके या स्टार्च पर क्रिया करके माल्टोज व अल्फा डेक्सट्रिन में बदल देता है। स्टार्च पॉलीसेकेराइड होते हैं जबकि माल्टोज प्लस अल्फा डेक्सट्रिन डाइसेकेराइड्स होते हैं। डेक्सट्रिन प्रोटीन डेक्सट्रिन ग्लूकोज होते हैं जिसके 3 से 9 अणु होते हैं तथा मुख गुहिका में भोजन बहुत कम समय के लिए रह जाता है तथा मुख गुहिका में भोजन में उपस्थित स्टार्च का आंशिक पाचन होता है तथा मुख गुहिका में भोजन लार मिलने के बाद लुब्धि जैसी संरचना को बोलस या निवाला कहा जाता है। मुख गुहिका में पाचन के बाद में अगला भाग आता है पाचन में आमाशय में पाचन। बोलस या निवाला जब मुख गुहिका से आमाशय में प्रवेश करता है तो वो कर्मानुकुंचन गति से तथा मथा आमाशय में भोजन को मथा जाता है, मतलब भोजन को हिलाया डुलाया जाता है, उसको मथने की क्रिया कहते हैं। ये आमाशय के अंदर होती है। आमाशय का आकार जे प्रकार का होता है, अंग्रेजी में जे अक्षर जैसा होता है तथा आमाशय में भोजन अंदर प्रवेश करने के बाद आमाशय के अंदर जठर रस भोजन में मिलता है तथा भोजन में मुख्यतः आमाशय में पाचन प्रोटीन मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय के अंदर पेप्सिनोजन रेनिन पेप्सिन प्रोनेज कुछ लाइपेज एंजाइम तथा जठर रस तथा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो आमाशय को अत्यधिक अम्लीय अवस्था में लेके जाता है। HCl के पीएच की बात करें तो 1.5 पीएच होता है जो भोजन को अत्यधिक ही अम्लीय मात्रा देता है। आमाशय में पेप्सिनोजन एंजाइम निष्क्रिय रूप में पाया जाता है। इस पेप्सिनोजन एंजाइम पर HCl क्रिया करके इसे पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन एंजाइम सक्रिय रूप से कार्य करता है तथा दूसरा एंजाइम होता है प्रोनेनिन। प्रोनेनिन भी निष्क्रिय एंजाइम है जो HCl से क्रिया करके रेनिन एंजाइम बनता है जो सक्रिय है। रेनिन एंजाइम मानव में अनुपस्थित रहता है। ये गायों के बछड़ों या शिशुओं में रेनिन एंजाइम पाया जाता है। आमाशय में प्रोनेन निष्क्रिय एंजाइम जब HCl से क्रिया करके रेनिन एंजाइम में सक्रिय रूप से हो जाता है। जब रेनिन दूध में उपस्थित किसमें दूध में
दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट के रूप में बदलता है। रेनिन दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है। इस बदलने की प्रक्रिया को दही का जमना कहते हैं। किसका जमना? दही का जमना कहते हैं, अर्थात ये दही जमाने की प्रक्रिया है। आमाशय में पचा हुआ भोजन कायम कहलाता है। आमाशय में पचा हुआ भोजन कायम आगे ग्रहणी की ओर गति करता है तथा ग्रहणी छोटी आंत का ऊपरी भाग होता है तथा आमाशय के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। आमाशय में भोजन आंशिक पाचन के रूप में अर्थात कायम के रूप में ग्रहणी में प्रवेश करता है। ग्रहणी में प्रवेश करने के बाद छोटी आंत की एंट्रोसाइट कोशिकाओं में कुछ एंजाइम्स स्रावित होते हैं तथा ग्रहणी की ब्रूनर कोशिकाओं से श्लेष्मीय पाचक रस निकलते हैं तथा अग्नाशय व पित्त से पित्त रस का स्रावण होता है। जो भोजन आमाशय में अम्लीय माध्यम में होता है वह ग्रहणी में श्लेष्मीय स्राव होने से भोजन अम्लीयता से क्षारीयता में बदल जाता है, जिससे छोटी आंत की दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचता है। मानव में प्रतिदिन कम से कम 700 से 1000 ml का पित्त का स्राव होता है तथा इस पित्त रस का pH 7.7 किसका पित्त रस का 7.7 pH होता है। छोटी आंत में सूक्ष्म रसांकुर या विलाय पाई जाती है जो पचित भोजन में से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा खनिज लवण विटामिन आदि का अवशोषण कर शरीर के भागों तक या रुधिर प्लस लसिका तक भेजा जाता है। छोटी आंत के तीन भाग बताए थे, ड्यूडेनियम जेजेनम और ईलियम। तो भोजन का अधिकांश पाचन की क्रिया ईलियम अर्थात क्षुधांत्र में पूर्ण होती है। पाचन की प्रक्रिया के चरणों में अंतर्ग्रहण पाचन हमने मुख गुहिका आमाशय में पाचन और छोटी आंत में पाचन। जब भोजन का छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है तथा अगला स्टेप आता है अवशोषण। जब भोजन छोटी आंत से पचकर या अवशोषण उसमें विटामिन मिनरल्स खनिज लवण आदि प्रक्रियाएं पाई जाती है, उसके पश्चात भोजन में जब जल प्लस विटामिन के बच जाते हैं, इन भागों का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। आंत के कुछ भाग में लैक्टिकल रसांकुर पाए जाते हैं, उन भागों से जल प्लस विटामिन के का अवशोषण होता है। यह मानव के पाचन क्रिया का तीसरा
चरण है। चौथे चरण की बात करें स्वांगीकरण, स्वांगीकरण की प्रक्रिया रक्त में उपस्थित पचे हुए पोषक तत्वों को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं तथा हमारे शरीर में या कोशिका में यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित की जाती है। स्वांगीकरण चरण के बाद में अगला चरण है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण को परित्याग भी कहा जाता है, अर्थात जब अपचित भोजन को छोटी आंत से बड़ी आंत में भेजा जाता है तब उस अपचित भोजन में से जल व कुछ विटामिन्स, कुछ अपचित पार्ट सेल्युलोज वगैरह का अवशोषण करने के बाद बड़ी आंत भोजन को मलाशय की ओर भेजती है तथा मलाशय से 24 घंटे के अंदर एक या दो बार मल का त्याग किया जाता है। जब मलाशय की भित्ति पर 20 mm मरकरी से अधिक दबाव पड़ता है तो मलाशय की भित्तियों में अत्यधिक दाब के कारण गुदा में क्या पाया जाती है, अवरोधनी ढक्कन पाया जाता है, उस पर दबाव बनता है और अवरोधनी गुदा का ढक्कन खुल जाता है तथा मल को बहिक्षेपण या परित्याग किया जाता है। इस तरह मानव में पाचन की क्रिया के 5 चरण हैं। फर्स्ट चरण था अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। ये 5 चरण थे। इन 5 चरणों को सबसे अंतिम चरण बहिक्षेपण या परित्याग था। ये 5 चरण मुख से शुरू होकर गुदा भाग तक पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके कुछ भाग कुछ एंजाइम्स, विटामिन्स व पोषण से संबंधित रोग आदि के बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप NS साइंस क्लासेस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के आइकन को दबाइए तथा इसको आगे शेयर करते रहें। धन्यवाद।